आज के जमाने में कई उदाहरण समाज में देखने को मिलते हैं। जिस माँ ने अपने बच्चे को जन्म दिया, वही बच्चा जब बड़ा होता है और माँ बूढ़ी होती है तो बच्चा माँ को वृद्धाश्रम की शरण में छोड़ देता है। ऐसे कई उदाहरण आज समाज में देखने को मिलते हैं। आपने त्रेता युग में श्रवण कुमार की कथाएं और कहानियां सुनी होंगी, लेकिन कलयुग में भी ऐसे कई श्रवण कुमार हैं जो अपने माँ बाप को त्रेता युग के श्रवण कुमार की तरह ही मानते हैं। आज हम आपको इस रिपोर्ट में कलयुग के श्रवण कुमार के बारे में बताएंगे, जिसने न केवल भारत बल्कि पिता के दिए गए स्कूटर से विदेशों तक की धार्मिक यात्रा अपने 75 वर्ष की माँ के साथ की है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के डी कृष्ण कुमार की, जो कभी कारपोरेट जगत में टीम लीडर का नौकरी करते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नौकरी को त्यागपत्र देना पड़ा और आनंद महिंद्रा का दिया गया गिफ्ट भी उन्हें नहीं रास आया, तो चलिए इस रिपोर्ट में समझते हैं पूरी कहानी। 48 वर्षीय कृष्ण कुमार मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं और 8 वर्ष पहले पिता की मृत्यु हो जाती है और घर परिवार एक साथ रहता है। परिवार में 10 लोगों की संख्या रहती है और उस परिवार की जिम्मेदारी कृष्ण कुमार की माँ चूड़ा रत्ना के ऊपर रहती है। पिता की मृत्यु के बाद परिवार अलग होता है और बेटा कारपोरेट जगत में टीम लीडर की नौकरी करता है। एक दिन ऐसा हुआ कि माँ और बेटे ने बातचीत के दौरान बेटे ने माँ से पूछा, आपने कभी कहीं घूमा है? तो माँ ने बेटे से कहा, हम तो बगल का मंदिर भी नहीं देखे हैं। उसी दिन बेटा कृष्ण कुमार भावुक होते हुए अपनी माँ को संकल्प दिया कि माँ, हम तुम्हें संपूर्ण भारत के जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ तक लेकर चलेंगे। फिर 14 जनवरी 2018 को कृष्ण कुमार ने अपनी नौकरी को त्यागपत्र दिया और 16 जनवरी 2018 को पिता के दिए गए 2001 मॉडल स्कूटर से माँ को लेकर निकल पड़े। 5 वर्ष बाद स्कूटर से लगभग 68,000 किलोमीटर संपूर्ण भारत समेत नेपाल, भूटान, म्यांमार की यात्रा करने के बाद कृष्ण कुमार भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या की संस्कृति से रूबरू हुए। इसके साथ अयोध्या के मठ मंदिरों में दर्शन पूजन भी। हम मैसूर वाले हूँ, ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा है। पहले हम एकता कुटुंब में थे, 10 लोग था संयुक्त परिवार। उसी समय में मेरी मातेश्वरी सवेरे से रात तक पूरा घर का काम, रसोई पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, जमीन पोंछना, इसी कामों में समय बीत गई। 10 लोग का बड़ा परिवार को संरक्षण करने का जिम्मेदारी मेरी माता जी के ऊपर था, बाहर का विहारी नहीं। एक दिन बातों बात करने के समय में मैं बेंगलोर में कॉरपोरेट टीम लीडर का काम करता था। उसी समय में मेरी माताजी, मेरे पिताजी स्वर्गवासी होने के बाद मेरी माताजी को लेकर एक दिन बातों बात करने के समय में मैं पूछा, माँ आप तिरुवण्णामलई, तिरुकोयिलूर, तिरुवारंगम, तिरुनलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम कुछ देखे अम्मा? मेरी मातेश्वरी ने कहा, नज़दीक वाले बेलूर हलेबिड मंदिर भी नहीं देखा बेटा। उस मुखभाव देख कर मुझको बहुत संकट हो गया। मेरी माताजी को तुरंत इमीडिएटली मैं संकल्प लिया, मैं आप चिंता मत कीजिए, बेलूर हलेबिड एक ही नहीं सारे भारत आपको दिखाता है। ये संकल्प करने के बाद January 14, 2018 नौकरी को त्याग पत्र दिया। January 16 ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा मैसूर से शुरू किया। अभी तक 68,862 किलोमीटर अभी तक सफ़र चुका हूँ समग्र भारत, साथ ही साथ ही नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये भी इसी स्कूटर में। 20 साल के पहले ये स्कूटर मेरे पिताजी मुझको बेंट के रूप में दिया था। इस स्कूटर में हम, ये मेरे पिताजी का खुद प्रतिरूप मानता हूँ मैं। मेरे पिताजी हमेशा मेरे साथ आ रहा है इस यात्रा में, हम दो नहीं हैं, हम तीन हैं। मेरे पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है, ऐसा भावना से अभी तक 4 कंट्री घूम लिया है। 68,862 किलोमीटर हम सफ़र चुका हूँ अभी तक। हाँ, आनंद महिंद्रा ने हमको KUA 100 नेक्स्ट ऑफर किया है। हम वो सेवा जीवन के लिए यूज़ हो रहा है, हम क्योंकि स्पिरिचुअल में बहुत गंभीरता है साधना करना चाहता हूँ, इसी कारण से हम थोड़ा ऋषि जीवन का, एकदम सादा जीवन, सिंपल करने का जीवन करने का हमारा इच्छा है। इसी कारण से ये स्कूटर में जाने तो मेरा पिताजी भी हमारा साथ है, ऐसा हम, मेरा पिताजी का याद दिलाता है स्कूटर इसी क्योंकि ऐसा लोग, आपका माध्यम लोग एंड लोगों ने ऐसा बुला रहे हैं मुझको। बट ओके, वो कलयुग का श्रवण कुमार भी नेत्रहीन अंध माता पिताओं को सेवा किया है। हमको इसी बड़ा व्यक्तित्व को हमको कंपेयर करता है, वो बड़ा सौभाग्य है। अयोध्या में मेरी माता जी को यहाँ धर्मनगरी, हमारा आराध्य दैव श्री राम जी है ना, वो उनका जन्म स्थान पर ये धर्मनगरी आकर ये संस्कृति सभ्यता को हम समझ रहे हैं। मेरी माता जी को
सब दिखा रहा है, समझ रहा है हम कहाँ अयोध्या में पूरा घूम कर यहाँ का सभ्यता को संस्कृति को हम समझ रहा है। मेरा नाम सुडारत्मा है, हम मैसूर वाले हैं। मेरे पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थी, बाहर कभी हर नहीं था। इसलिए मेरे पति चल बसने के बाद मुझे एक इकलौता बेटा है, वो अपने साथ ही रख कर मुझको अच्छी तरह देख रहा है। और अम्मा जी को जीते रहते समय सब कुछ दिखाना ऐसा चाहकर वो मुझे सारे देश को दिखाया है, सारे देश के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार ये भी दिखाया है। वो हमारे भारत में जितना पुण्य क्षेत्र है कन्याकुमारी से काश्मीर तक, उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, तीर्थ प्राशन करके मेरा जीवन सार्थक बनाया है, उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिता उनका ऋण चुकाना ही मुख्य है, ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझ कर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस ज़माने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है, मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। वो उत्तम जीवन आदर्श रख कर न्याय मार्ग में, धर्म मार्ग में चलने वाला बेटा मुझे मिला है, साकंते, साकंते। मुझे बहुत खुशी है।